Assalamualaikum my viewers, my name is Hamera. This is my channel and this channel only for my students. First of all, I request you, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें. तो आज का हमारा काम है FSC पार्ट 1 की एक्सरसाइज 1.1. तो उसका हम आज करते हैं फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, विच ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमने विद एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ये चेक करना है कि इस सेट में क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है. तो क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, बेसिकली इसमें टू एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर्स में से. तो जब हम उसको विद एडिशन सम करते हैं ए प्लस बी, वो भी हमारे पास बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर्स में से. जब हम मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी देखते हैं, वो भी बिलोंग करता है हमारे पास रियल नंबर्स में से. अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है ज़ीरो. तो अब मैंने इधर अभी बताया था कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी में टू एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ पर हमें वन दिया गया, तो हम इसी को कंसिडर करेंगे. यही हमारे पास ए है, यही बी है. हम इसको विद एडिशन चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है या नहीं. जब हमने इसका सम किया तो हमारे पास क्या आया, ज़ीरो, एंड ज़ीरो बिलोंग टू दी सेट. तो हमारे पास क्या हुआ, क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई. अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. ज़ीरो मल्टीप्लाई ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो बिलोंग टू दी सेट. तो हमारे पास क्या हुआ, विद मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर गई. तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे हैंस दी सेट पोजेसिस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. अब हम इसके आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड हमें क्या दिया गया है, सेट वन, इसमें भी एक ही एलिमेंट है. तो हम इसको एडिशन चेक करते हैं कि वन प्लस वन दिस इज टू एंड टू इज नॉट बिलोंग टू द सेट. तो ये हमारे पास क्या हुआ, क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता. अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. वन मल्टीप्लाई वन दिस इज वन, वन बिलोंग टू दी सेट. तो हमारे पास क्या हुआ, विद मल्टीप्लिकेशन क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. तो हम कंक्लूजन में लिखेंगे हैंस दी सेट पोजेसिस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बट डज नॉट पोजेसिस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो हमने कंक्लूजन में यही लिखा कि हमारे पास विद एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती और मल्टीप्लीकेशन करती है. नेक्स्ट हमारे पास है इसका वन ज़ीरो माइनस वन दिया गया जो हमें. तो हम इसको विद एडिशन देखते हैं कि हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं. फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टू सेकंड एंड सेकंड टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड, दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो बिलोंग टू द सेट. दिस इज़ माइनस वन, माइनस वन बिलोंग टू द सेट. दिस इज़ माइनस वन बिलोंग टू द सेट. दिस इज़ माइनस टू, इट डज़ नॉट बिलोंग टू द सेट. हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट भी
माइनस टू या कोई भी आदत जो हमारे पास सेट में से बिलोंग ना करे तो हमारे पास विद एडिशन को लेकर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड। दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ वन। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ज़ीरो बिलोंग टू दिस सेट। ये तीनों ज़ीरो जो हैं वो हमारे पास सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, बट वन जो है इट डज़ नॉट बिलोंग टू दी सेट। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास विद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को लेकर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। तो कंक्लूजन में हम लिखेंगे हैंस दी सेट डज नॉट पोजेसिस क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसके आते हैं फोर पार्ट की तरफ। वो हमें क्या दिया गया है, वन माइनस वन। अब इसको हम विद एडिशन चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है या नहीं। फर्स्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड। दिस इज टू, दिस इज ज़ीरो एंड टू डज नॉट बिलोंग टू दी सेट। दिस इज ज़ीरो एंड ज़ीरो ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू दी सेट। ये हमारे पास क्या आया, ये भी ज़ीरो एंड ज़ीरो डज नॉट बिलोंग टू दी सेट। दिस इज माइनस टू एंड दिस इज नॉट बिलोंग टू दी सेट। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो सेट में से बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमारे पास क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी विद एडिशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम इसको चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट टू फर्स्ट, फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू सेकंड, सेकंड टू फर्स्ट एंड सेकंड टू सेकंड। ये हमारे पास क्या आया, वन, वन बिलोंग टू दी सेट। ये हमारे पास क्या आया, वन मल्टीप्लाई माइनस वन। ये हमारे पास क्या आया, माइनस वन, माइनस वन बिलोंग टू दी सेट। ये हमारे पास क्या आया, माइनस वन, माइनस वन बिलोंग टू दी सेट। ये हमारे पास क्या आया, वन, एंड वन भी हमारे पास क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है सेट में से। तो हमारे पास क्या हुआ, विद मल्टीप्लीकेशन को लेकर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हैंस The set possesses clear property with respect to multiplication but does not possesses with respect to addition। तो हमारे पास आज का काम था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसका सेकेंड पार्ट। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।